दोस्तों नमस्कार, आज है 8 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे बीबीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। इसके साथ साथ हम कल के न्यूज़पेपर को भी देखेंगे जिसका हम डिस्कशन नहीं देख पाए थे क्योंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं था कल कुछ भी, तो आज हम उसके भी कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स आए थे उसको भी देख लेंगे। तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि कल इलेक्शन था थर्ड फेज़ का और इस इलेक्शन में 64.4% टर्नआउट हुआ है अभी तक। इससे रिलेटेड एक इशू हमेशा आता है कि इलेक्शन कमीशन इस बार जो पोल का डेटा है वो थोड़ा लेट रिलीज़ कर रहा है, तो उसका क्या रीज़न है? तो अभी तो 64.4 दिखाता है लेकिन वही 10 दिन के बाद जब डेटा रिलीज़ करेंगे तो ये मे भी बढ़ के 68 हो जाए, तो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज क्यों हो रहा है? तो सबसे पहली बात तो एक पोस्टल बैलेट का इशू रहता है कि वो हो सकता है कि पोल डे में काउंट नहीं हुआ हो, बाद में काउंट होकर डेटा सही से आता है। दूसरा जो फार फ्लंग एरियाज हैं, जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज हैं, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है और उनका ट्रांजिशन टाइम ज़्यादा रहता है, तो वो वाले एरियाज़ हो गए। तीसरा हो गया कि इस बार क्या किया गया है कि जो भी ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनके घर पे वोटिंग मशीन जाता है विथ जो पीठासीन अधिकारी हैं और साथ में जो कर्मचारी हैं वो जाते हैं और उनके घर पे उनको वोट दिलवाते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने में कितना परसेंटेज इसके कारण वोटिंग हुई उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए डेटा जो है लेट से रिलीज़ हो रहा है और इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, मेजर इसी का बताया जा रहा है। खैर, हम आगे चलते हैं। इसके अलावा इस पेज में और हमारे लिए जानने लायक कुछ भी नहीं है। अगर हम ये थर्ड पेज देखें तो यहाँ पर दिल्ली के बारे में है कि ये वर्स्ट एयर क्वालिटी सिंस फरवरी है इसका। तो कल की ही एक न्यूज़ है जिसमें पटना को इंडिया का सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी घोषित किया गया, सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो सबसे पहले देखेंगे कि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है उसको जांचने के लिए क्या कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? तो जो द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद, जहाँ पे ग्रैप लाया गया था, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। उस ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंदर से कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है मेजर्स अपनाती है दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए। अगर पटना की बात करें तो ऐसे क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसके पोल्यूशन को एग्रीविएट कर रहे हैं? सबसे पहला ह्यूज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिर ड्रेन वगैरह का जो प्रोजेक्ट है वो भी उसके कारण काफ़ी डस्ट होता है। तो अभी कुछ दिन में जो ड्राई सीजन हुआ इसके कारण क्या हुआ कि डस्ट लेडन विंड्स ज़्यादा फ्लो करने लगे, वो डस्ट जो है एटमॉस्फेयर में जाके और पोल्यूटेंट का काम कर रही है। इंडिविजुअल व्हीकल मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा, इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है उसका पोल्यूशन भी ज़्यादा है। तो इन सब मिला के पोल्यूशन जो ओवरऑल बढ़ रहा है। और अब इसमें एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स जो सरकार ले रही है इन पोल्यूशंस को कम करने के लिए। तो इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर रहता है इसका कि कितना हम लोग जल जीवन हरियाली मिशन है हमारा, उसके अंदर कितना प्लांट हम सैपलिंग्स हम प्लांट कर रहे हैं, उसके बाद और भी क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो वो सब इसमें लिखा जा सकता है। ये एक काफ़ी जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, पोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आया तो उसमें ये आंसर लिखा जा सकता है। फिलहाल इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो पर्टिकुलेट मैटर है और वो और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो रहा है क्योंकि डस्ट लेडन विंड्स और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डिमोलिशन एक्टिविटी हो रही है रोड्स और ओपन एरियाज़ में, उसके कारण क्या है, डस्ट बढ़ रहा है। तो पर्टिकुलेट मैटर जो है रीज़न का ज़्यादा लोडिंग हो रहा है उसमें, और विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन सपोर्टिव नहीं है उस डस्ट लेडन विंड को बाहर फेंकने के लिए। तो क्या है, सब एक जगह एक्यूमुलेट हो जा रहा है और एब्सोल्युटली ड्राई कंडीशन लीडिंग टू द कंटिन्यूड सस्पेंशन ऑफ डस्ट एंड दैट मे नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी स्पेसिफिक लोकल सेक्टर। ठीक है, मतलब एक क्यूमुलेटिव जो कॉज है उसके कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है, कोई एक सर्टेन सेक्टर या सर्टेन एरिया को हम नहीं कह सकते कि उसके कारण पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। अब इंडिया और कनाडा के रिलेशन ऑलरेडी स्ट्रेंड है, जो सिसनिस्ट एलिमेंट हैं वो वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इंडिया ने अभी कनाडा को कहा है कि अब आप क्रिमिनल्स को और सिसनिस्ट एलिमेंट्स को शरण देना बंद करिए, क्योंकि
किसी भी तरह का सेलिब्रेशन और ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी और डेमोक्रेटिक कंट्रीज विच रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ शुड नॉट अलाउ इंटिमिडेशन बाय रेडिकल एलिमेंट्स इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए हैं मिनिस्ट्री ने अगेंस्ट कैनेडा फॉर देयर एलिजेड हेवन टू क्रिमिनल सेशनिस्ट एलिमेंट्स और जो भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनको शरण देने का काम करता है, उनको बढ़ावा देने का काम करता है. अमिट फॉस्टिटाइज अभी क्या है, इंडिया और मालदीव्स में भी इशू चल रहे हैं, इंडिया और मालदीव्स में भी इशू चल रहा है. हमने काफ़ी टाइम इसको डिस्कस किया है. तो अब इंडिया मालदीव्स में जो इशू चल रहे हैं, तो मुइजो जो है फिर से प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गए हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि 10 मई तक आप सारे ट्रूप्स को भेज लो. तो ऑलरेडी हम स्ट्रेटिफाइड वे में अपने ट्रूप्स को वापस ला रहे हैं मालदीव्स से. लेकिन यहाँ ये भी तो देखने की ज़रूरत है, जो हम जो सपोर्ट देते हैं मालदीव्स को, क्या वो सपोर्ट मेंटेन होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया और मालदीव्स के बीच बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं. अभी यहीं पे देखो, इंडिया हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट कोटास फॉर एसेंशियल कमोडिटी जैसे एग, पोटैटो, ऑनियन, सुगर, राइस, व्हीट फ्लोर एंड पल्सेस, रिवर सैंड एंड स्टोन एग्रीगेट्स टू मालदीव्स अंडर ए यूनिक बायलेटरल मैकेनिज्म. तो भारत ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है मालदीव्स को, ठीक है? तो सबसे पहला तो भारत का इकोनॉमिक इसमें इंटरेस्ट है, दूसरा मालदीव्स में इसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कि अगर इंडिया मालदीव्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो कम ही बोलें, इनडायरेक्टली रूप से अपना अगर इन्फ्लुएंस नहीं रखेगा वहाँ पे, तो चाइना अपना इन्फ्लुएंस बनाएगा और मालदीव्स इतने करीब है कि अगर चाइना का प्रेजेंस वो हो गया तो हमारे डिजास्ट्रस हो जाएगा. तो इस चीज़ को रखते हुए इंडिया हर कोशिश कर रहा है कि मालदीव्स को अपने साथ जोड़ के रखा जाए. इंडिया जो है मालदीव्स के डेवलपमेंट के लिए, और जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट है, उसके लिए इंडिया कमिटेड है. वो अपनी सारी पॉलिसीज़ को उसी तरफ रिडायरेक्ट कर रहा है, बी इट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और जो फ्रॉस्टी पॉलिटिकल रिलेशनशिप है उसको ठीक करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी दिशा में भी भारत काफ़ी कुछ सोच रही है मालदीव्स के साथ. इस आर्टिकल में विकास भारत संकल्प यात्रा की बात की गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इसको रोकने को कहा था, लेकिन इस पे ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि ये जो स्कीम है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को या किसी गवर्नमेंट स्कीम को टारगेट नहीं कर रही है, बल्कि ये कलेक्टिव है, एक्शन है, कलेक्टिव इनिशिएटिव है. जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, सबको एक जगह कॉन्ग्लोमेट करके दिया गया है ताकि हम लोगों तक बात पहुंचा सकें. तो ये जो है ना, ये एग्ज़ाम्पल हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये आर्टिकल हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको समझना है. जब भी हम बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और जब भी हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस की, तो उसमें एक पॉइंट आता है, याद करो, साइमल्टेनियस इलेक्शन में कि जब भी एमसीसी आता है तो गवर्नेंस पे ब्रेक लग जाता है. सरकार कोई अपनी वेलफेयर इनिशिएटिव्स नहीं लॉन्च कर सकती है, अपनी इन्फॉर्मेशंस नहीं पहुंचा सकती है लोगों तक, राइट? वो हम इलेक्शन के क्रिटिसिज्म में भी करते हैं और साइमल्टेनियस इलेक्शन के सपोर्ट में करते हैं कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ तो हमेशा गवर्नेंस में ब्रेक नहीं लगेगा, राइट? नाउ यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि विकसित संकल्प यात्रा जो है पॉलिटिकल नहीं है, दैट मीन्स हम अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, यानी कि हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स का जो मैसेज है वो गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं. तो जो अप्रैल, मई और स्टार्टिंग का जून, मतलब दो महीना तो कम्प्लीट समझो, ये दो महीना तो कम्प्लीट ख़त्म हो गया ना, लोगों के पास कोई वेलफेयर इनिशिएटिव्स का इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँच पाएगा अगर आप इस चीज़ को बैन कर देंगे. तो ये हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी साइमल्टेनियस इलेक्शन के सपोर्ट में, जो हम यूज़ करते हैं उसके सपोर्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के क्रिटिसिज्म में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, अब सीधा एक्सप्लेन पन्ने पे कुछ आएगा. हाँ, यहाँ पे है, अभी क्या हुआ है, पतंजलि वाला जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है. इस आर्टिकल में ये कहना, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखो, अगर सपोज़ मैं एक एंटिटी हूँ, मेरी एक कंपनी है, मैंने कुछ ऐड दिया, ये ऐड जो है ऐसा ऐड है जो हो सकता है रेशियल हो सकता है डेरोगेटरी हो, या फेयर एंड लवली का जो ऐड आता था काफ़ी डेरोगेटरी था तो उसका नाम ही उनको चेंज करना पड़ा है एज अ ब्रांड रिफॉर्मेशन. तो सपोज़ मेरा ए ब्रांड है, मैं ऐड दे रहा हूँ,
तो मैंने ऐड देने के लिए किसी बी पर्सन को हायर किया। तो अब जो इस ऐड जो दे रहा हूँ मैं, वो सही है या गलत है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ ए पे ही नहीं रहेगी, बी की भी इसकी इसमें जिम्मेदारी हो जाएगी। मतलब अगर शाहरुख खान, आमिर खान कोई मेरे प्रोडक्ट की ऐड करने आएंगे, तो सिर्फ मैं ही अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाऊँगा, बल्कि जो पर्सन मेरे प्रोडक्ट को इंडोर्स करेंगे उनको भी उसमें ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जिस तरह से अब गुटखा का ऐड देखेंगे, है ना, सोडा का ऐड चलता है, तो दैट इज़ समवेयर एक स्ट्रॉन्ग लाइन खींचना ज़रूरी है। ठीक है, हर चीज़ को ब्रांड इंडोर्समेंट के फॉर्म में और मॉनेटरी कंपनसेंसेस से अगर जोड़ दें, तो फिर सोशल इफ़ेक्ट कहाँ चला जाए, कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है, और इसका यूज़ जो है, हम लोग अगर हमारे GS2 सेक्शन 2 में कोई क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग कैपिटलिज्म या फिर ब्रांड्स एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, तो उसमें इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल जुडिशियल एक्टिविज्म में, जुडिशियल एक्टिविज़म में हो सकता है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है हस्तक्षेप कर रही है और एक नया रेगुलेशन ला रही है सामने, ताकि सोसाइटी में जो है एक बैलेंस बना रहे। राइट, नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट ऑर्डर स्क्रैपिंग टीचर जॉब्स। हाँ, ये जो न्यूज़ आर्टिकल है इसको पढ़ लेना, जो भी डिटेल है वो देख लेना, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ये आर्टिकल जो है ये बता रहा है कि वेस्ट बंगाल में अभी 25,000 टीचर को इसलिए बाहर कर दिया गया कि इसमें कुछ टेंटेड टीचर्स भी मिले थे। राइट, तो सिमिलर तौर पे अभी हम कुछ दिन पहले हमने देखा कि फर्स्ट JPSC जो हुआ था उसके करीब 30 या 35 जो SDM थे, अभी ऑलरेडी वो ADM बन चुके हैं या फिर किसी अच्छे सचिव स्तर पे, सचिव नहीं मतलब आप सचिव या उससे एक जॉइंट कमिश्नर लेवल पे जा चुके हैं, और उसके बाद अब उन पे कार्रवाई की जा रही है कोर्ट के द्वारा। तो कार्रवाई तो सिर्फ इतने लोगों पे की जा रही है ना, जो फर्स्ट JPSC है उसको तो कैंसिल नहीं किया गया। सिमिलरली यहाँ भी है कि कार्रवाई 25,000 में से जो 1,000 आदमी होगा, जो ये 500 आदमी होगा, आप उस पर कार्रवाई कीजिए ना, आप पूरा कैंसिल मत करिए, कुछ टेंटेड के कारण इतने लोगों का रोज़गार आप ख़त्म मत करिए। तो ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ देखते हैं फॉरेस्ट फायर से एक रिलेटेड आर्टिकल है। हम लोगों को फॉरेस्ट फायर बिहार में तो उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट की संख्या ही उतनी ज़्यादा नहीं है। फॉरेस्ट फायर यहाँ प्रोमिनेंट है कैमूर वाले इलाके में। तो फॉरेस्ट फायर जो होता है इसका रीजंस क्या है, क्यों होते हैं फॉरेस्ट फायर्स? फॉरेस्ट फायर होने के रीजंस में दो रीजंस हो जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा नेचुरल, एक हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक होता है मतलब ह्यूमन मेड। दूसरा डायमेंशन इसमें हम फॉरेस्ट फायर में रखेंगे कि रिसेंट फॉरेस्ट फायर्स कहाँ कहाँ हुए हैं, इसका एक डेटा होना चाहिए। कितना परसेंट जो फॉरेस्ट है हमारे इंडिया का एज वेल एज बिहार का जो फॉरेस्ट फायर प्रोन है, मतलब जहाँ आग लगने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तीसरा, ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट को टू डॉज, ये वर्ड यूज़ करना, डॉज मतलब बुझाना, फॉरेस्ट फायर का क्वेश्चन है ना, तो डॉज एक सिंक बैठ रहा है। तो इनिशिएटिव्स टेकन टू डॉज द फॉरेस्ट फायर्स, है ना, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान। इसमें हम लॉन्ग टर्म, इसमें हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान में हो जाएगा कि हम अपने फायर जो सर्विसेज है उसको स्ट्रेंथन करें, जो इंडियन फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनकी पेट्रोलिंग को बढ़ाएं, है ना, ह्यूमन इंटरवेंशन जो है जहाँ पे उस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाएं। लॉन्ग टर्म प्लान हो जाएगा कि किस तरह से हम अपने पॉलिसीज़ को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करें कि जो फायर हो रहे हैं, बी इट ड्यू टू नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, दोनों को प्रिवेंट किया जा सके। तो पॉलिसी लेवल पर जो चेंजेस होंगे उसको हम लॉन्ग टर्म में डालेंगे। ठीक है, और एक वे फॉरवर्ड कि आगे क्या होना चाहिए फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसका नोट्स अगर प्रिपेयर रहा तो सही है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन आता है 7-8 नंबर वाले में, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो यही है उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर जो हुआ है उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जो फॉरेस्ट फायर है वो क्लाइमेट चेंज का दस्तक दे रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने सारा ब्लेम जो है लोगों पे शिफ्ट कर दिया है, है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे, और लोगों को सेटिंग फायर टू फॉर्डर फॉर ए वीक मना कर दिया है वहाँ पे, है ना, आप वहाँ जंगल में कुछ खाना पीना बना ही नहीं सकते। जो भी अर्बन बॉडीज़ हैं, है ना, उसको मना किया गया है कि आप फॉरेस्ट एरियाज से सूखी लकड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जब सूखी लकड़ियाँ खरीदेंगे उनको पैसा मिलता है और वो फिर जाके वहाँ कलेक्ट करते हैं, तो वो सब बंद हो जाएगा। तो ठीक है, ये इमरजेंसी मेजर्स हैं और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मेजर्स में, लेकिन फॉरेस्ट फायर एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसको बैंस और प्यूनिटी मेजर्स से ख़त्म नहीं होने वाला है। इसके लिए सोचने की ज़रूरत है, इसके लिए हम जो क्लाइमेट क्राइसिस अभी एग्रीविएट हो रहा है उस क्लाइमेट क्राइसिस को के इम्पैक्ट को कम करने के लिए इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, है ना। सिक्योरिंग पीपल्स लाइफ एंड प्रोटेक्टिंग द बायोस्फीयर विल रिक्वायर अ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्सपर्ट्स टू पुट देयर हेड्स टुगेदर, बी इट इकोलॉजिस्ट, क्लाइमेट साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, फायर सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिसके कारण कम्युनिटीज़ को एक दिशा मिले फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट करने में, राइट। तो यही ये आर्टिकल कह रहा था, इसको आप डिटेल से एक बार पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया। अब एक आर्टिकल है अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस वेजेस, इसको स्किप कर देना है, इतना डेटा फैक्ट दिमाग में नहीं रख पाएंगे हम लोग, है ना। तो अगर पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ लो, मेरे हिसाब से इसको इग्नोर किया जा सकता है, राइट। अब देखते हैं, हाँ इस पेज में हमने देख लिया है, ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ आर्टिकल है। सी एस आई आर जो एक संस्था है, काउंसिल ऑफ सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी बहुत सारी लेबोरेटरीज़ हैं बेसिक साइंसेस की, उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कहा है कि मंडेज़ को आप बिना आयरन किए हुए कपड़े पहने। वाई? तो ये इनिशिएटिव जो है, ये एक इनोवेटिव इनिशिएटिव यूज़ किया जा सकता है, ऐसे का कोई भी अगर आए आर्टिकल जिसमें क्लाइमेट चेंज एक इंडिविजुअल एफर्ट है, ना कि ग्लोबल एफर्ट, या फिर सिर्फ ग्लोबल एफर्ट ही नहीं, इंडिविजुअल एफर्ट भी है इसमें, तो उसमें हम इसका एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कि सीएसआईआर ने ये कहा है कि मंडे को आप आयरन किए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी आयरन जो है 800 से 1200 वाट लेता है और जनरली 30 गुना लेता है एक बल्ब से। सारे मेंबर्स का, जितने लोग हैं घर में जो ऑफिस जाते हैं, उनके कपड़े का अगर हम आयरनिंग करें तो उसमें 30 मिनट्स लगेगा, तो मिला जुला के 15 गुना हम लाइट से ज़्यादा बिजली खर्च कर दे रहे हैं एक दिन का। तो दिस इज़ डिजास्ट्रस फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण हम डेली 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ कपड़े पहनने में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कार्बन एमिशन है, फुटप्रिंट है जो। तो इसी के लिए सीएसआईआर ने यह कहा है कि हम लोग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक सिस्टम बनाएंगे, एक वर्क कल्चर बनाएंगे, जहां हम लोग कपड़ा भी पहनेंगे तो उससे कार्बन एमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये उसी का है रिलेटेड। और यहाँ पे एक और चीज़ है, लाइफ, मिशन लाइफ के बारे में पढ़ लेना। मिशन लाइफ क्या है? दैट इज़ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इट इज़ अ मास मूवमेंट बाय इंडिया टू शोकेस द कंट्रीज डेडिकेटेड एफर्ट्स इन सिंपल एक्ट्स इन डेली लाइफ विद सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। इसको स्टार्ट किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसके तहत वो क्लाइमेट चेंज को बहुत जल्दी मिटिगेट करने की बात करते हैं और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। यहाँ देखो, ये है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्री रिपोर्ट ने ये क्वेश्चन किया चाइल्ड लेबर पे। अब आप बोलोगे चाइल्ड लेबर की कोई समस्या है, तो ये डोमेस्टिक इशू है, इसको इंटरनेशनल मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? जब भी इंटरनेशनल ट्रेड डील्स होते हैं, यूरोपियन कंपनीज स्पेशली, ठीक है, यूरोपियन कंपनीज हो गई, या कंपनीज लाइक जापान, कंपनीज लाइक साउथ कोरिया, इन लोगों का एक अलग ही फंडा चलता है। अगर आपको ये कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सपोज़ आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनके यहाँ ठेकेदार हैं, आप इनके यहाँ मैन पावर सप्लाई करते हैं, तो अगर आप इनको, आप ये, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठेका देते हैं, तो आप जो सप्लाई करेंगे, आप सिर्फ ये ही सप्लाई नहीं कर, लेबर सप्लाई नहीं करेंगे, उनके पिछले 2-3 साल के रिकॉर्ड सब सबमिट करेंगे कि उनका PF आप भर रहे हैं, उनके मेडिकल बिल्स को आप वेट कर रहे हैं, उनको आप सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, उनको आप इमरजेंसी सिचुएशंस में हेल्प कर रहे हैं, सारे जो हैं मेडिकली फिट हैं, हर 3 महीने 6 महीने पे जो रेगुलेशन है उसके अंतर्गत आप उसकी मेडिकल चेकिंग करवा रहे हैं, अगर कोई मेजर डिजीज़ है तो उसके लिए आप खर्च वहन कर रहे हैं, ये सब डिटेल देना पड़ता है इन सब कंट्रीज़ को, ताकि ये अपना डील साइन कर सकें इंडियन काउंटर पार्ट और एनी अदर्स, उनका ये रेगुलेशन ही ऐसा है। तो
अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में जो ट्रेड डील हो रहा है उसमें चाइल्ड लेबर को ये कहा गया है कि अगर भारत के साथ हम ट्रेड डील करते हैं तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स होंगे इंडिया से जो हमारे यहाँ आएंगे, जो इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे, वो एक्सपोर्ट आइटम के मैन्युफैक्चरिंग में क्या चाइल्ड लेबर नहीं हुआ है। अगर चाइल्ड लेबर हुआ है तो इसका मतलब कि अगर हम उन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं दैट मीन्स हम लोग चाइल्ड लेबर को एग्रीविएट करते हैं और इनक्रीज करते हैं। तो ये एक ग्लोबल लेवल पे चाइल्ड लेबर को कम करने की दिशा में एक कदम के हिसाब से माना जा सकता है इसको। बाकी क्या है ये आप देख लीजिए, राइट। आप देखो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने डीप फेक पे अभी कुछ अपना एक लेटर रिलीज़ किया है। तो डीप फेक क्या है? डीप फेक एक ऐसा टूल है जिससे एक वीडियो क्रिएट किया जा सकता है, इमेज क्रिएट किया जा सकता है ऐसा कि लगे कि वो ओरिजिनल जो जिसका फ़ोटो है उसी ने वो कृत्य किया है, लेकिन अगर ऐसा होता नहीं है, सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनका फेस प्लांटेड रहेगा, उनकी पोस्चर्स प्लांटेड रहेंगी, है ना। तो कुछ सैंपल्स के बेसिस पे वो कंप्लीट एक पिक्चर ही बना देता है AI। तो उसी को लेके अभी बहुत इश्यूज चल रहे हैं। अभी देखे कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहा था ममता बनर्जी जी का और नरेंद्र मोदी जी का डांस करते हुए, तो वो क्या है, डीप फेक वीडियो है। तो उस डीप फेक वीडियो को काउंटर करने के लिए अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पोस्टर तो लगाने नहीं दे रही है बाहर, लेकिन इस तरह के वीडियो खूब सर्कुलेट हो रहे हैं, तो एक लगाम कसने की ज़रूरत है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्विटर को भी यानी एक्स को भी डायरेक्ट किया है कि उनसे वीडियोज़ को अब डाउन करेंगे, और उन्होंने ये भी एक पेपर निकाला है कि किस तरह से इसको हम टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर हम इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह के कंटेंट डालेंगे तो लोग वोटर के ओपिनियन को चेंज करने का मादा रखता है वो, और ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क के, डेमोक्रेसी सिस्टम के, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रहा है। फिर उन्होंने बात कही कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये एक ज़रूरी कदम है कि डीप फेक को प्रिवेंट करना चाहिए। फिर फेक जो है, डीप फेक वीडियो जो है उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जो भी आपके ऑफिशियल अकाउंट के इक्विवेलेंट कोई अगर अकाउंट है तो उसको डिलीट करवाइए आप, अगर आप नहीं कराते हैं तो आप ही भागीदार होंगे इसके। फिर एक ग्रीवांस कमेटी बनाने की बात की है उन्होंने। 3 घंटे का डेडलाइन दिया है कि जब भी डीप फेक ऑडियो या वीडियो अपलोड होता है आपके आईडी से, आपको बताया जाता है और 3 घंटे के अंदर आपको डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो आगे आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, है ना। तो अब इन सब जो बातें की गई हैं, इन सब बातों का असली में क्या ये होगा वो तो देखने वाला होगा, समय के साथ वो पता लगेगा। बट खैर आज के लिए इस न्यूज़पेपर में इतना ही था, है ना, और हम एक बार कल के न्यूज़पेपर को देख लेते हैं कि कल हम क्या क्या इसमें पढ़ सकते थे। देखो इमैनुअल मैक्रोन और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, चाइना और फ्रांस। अभी चाइना क्या कर रही है कि यूरोप को अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही है। रीज़न क्या है, यूरोप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका धीरे धीरे सबजुगेट करता जा रहा है, क्योंकि यूरोप का अगर वर्चस्व रहेगा तो यूएसए का वर्चस्व ख़त्म हो जाएगा। यूएसए ऐसी कंट्री है कि अपने वर्चस्व को बचाने के लिए किसी का भी खून कर सकती है। तो यहाँ पे यूरोप के वर्चस्व, यूरोप का जो वर्चस्व बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, ठीक है, यूएसए अपना कुछ कुछ करती है। तो अगर यूएसए कुछ ऐसा एक्शंस ले रही है बैकडोर में यूरोप के अगेंस्ट में, तो यूरोप को ये समझ में भी आ रहा है। तो वो क्या है, अपनी इंक्लिनेशन उन सब कंट्रीज़ के साथ बढ़ा रहे हैं जिसका यूएसए के साथ तलखी है या यूएस के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे चाइना। अभी देखेंगे कि इटली का हमारी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा अभी इंक्रीज़ हो रहा है रिलेशंस। इसी यही बेसिक रीज़न है इसका कि इंटरनेशनल रिलेशन में कभी कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, और दोस्ती भी जो होती है वो भी इशू बेस्ड दोस्ती होती है, परमानेंट दोस्ती बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ये आर्टिकल वही कह रहा है। ये आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो फीकल कंटामिनेशन है वो मिला है वाटर सैंपल से गाज़ियाबाद में। अभी आप समझो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं इन्होंने और तरीके से वाटर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। जो पीने का पानी है उसमें फीकल कंटामिनेशन है, आप सोचो क्या हालत है पानी की। तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं अगर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन आया। ऑलरेडी GS2 सेक्शन 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मिसलेनियस में वो जनरली पूछते हैं। तो
इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि रिसेंटली गाज़ियाबाद में हम देखेंगे देखा हमने कि जितने भी सैंपल कलेक्ट हुए सब में फेकल कंटामिनेशन मिला, उससे बहुत लोग बीमार हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गई, बाकी सारी चीज़ें हो गई। तो ये ज़रूरी है कि आज के टाइम पे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस काफ़ी साउंड होनी चाहिए और काफ़ी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी धीरे धीरे एग्रीवेट हो रही हैं। ये आर्टिकल है जहाँ पे हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल को आरटी एडमिशन से एग्जेम्प्ट करने का जो सरकार का फरमान था उसको निरस्त कर दिया। अब एक ऐसा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसके अंदर कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो 25% इनरोलमेंट ऐसे लेगा जो वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं अपने नेबरहुड में, और उनको वो कोटा दिया जाएगा 25% का, जिसमें उनको फी कंसेशंस, नेसेसरी फी कंसेशंस दिए जाएंगे। लेकिन अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में सरकार ने एक ऐसा निकाला लेटर निकाला है कि देखो जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है 25% के एडमिशन से। वो क्विड प्रो क्यो टाइप सिचुएशन था तो उसको हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं चैलेंजेस के रूप में, कौन से, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, सॉरी राइट टू एजुकेशन है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो चैलेंजेस हो रहे हैं उसमें ये सब चैलेंजेस है, और उसको चैलेंजेस को दूर करने के लिए कोर्ट की किस तरह से सामने आ रही है उसका ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। इसके अलावा कल के न्यूज़पेपर में भी कुछ काम की चीज़ नहीं है। एक छोटा सा यहाँ पे प्रिलिम्स के लिए सवाल हो सकता है कि बोइंग का जो स्टार लाइनर है उसके उसमें कौन से एस्ट्रोनॉट गए थे, तो सुनीता विलियम्स और 3-4 नाम दे देगा, तो उसमें सुनीता विलियम्स सही आंसर होगा इसका, है ना। तो कल का और आज का हमने न्यूज़पेपर देखा, बस इतनी ही आर्टिकल्स जो हैं रिलीवेंट हैं वो भी हमने ज़बरदस्ती लिंक किया है चीज़ों को। तो अभी ये चलेगा दौर एक महीना, उसके बाद ही न्यूज़पेपर में भी सही से न्यूज़ आर्टिकल्स आएंगे जो हमारे लिए रिलीवेंट हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।